क्या 27 इयर्स के एज में नेब्यूलाइजर लेना चाहिए या पंप? देखिए, सबसे पहले मोंटी सिंह आपको ये कहना चाहूंगा, नेबुलाइजेशन एस्मा का इलाज नहीं है। नेबुलाइजेशन बहुत सारी दवाइयां होती है, एक नेबुलाइजेशन में 20 से 25 पप्स होते हैं। एस्मा का, जैसे मैंने आपको बोला है कि एस्मा एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, लाली बिल्कुल खत्म हो सकती है, खराश बिल्कुल खत्म हो सकती है, हवा नली के अंदर जो संवेदनशीलता है, जो उसकी जो रुकावट है, बिल्कुल खत्म हो सकती है। आपको प्रिवेंटिव इनहेलर, इनहेलर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिवेंटिव और रिलीवर। जो आप नेबुलाइजेशन की बातें कर रहे हैं वो रिलीवर होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपको सर में दर्द हो रहा है, बार बार दर्द की गोली ले रहे हैं, वो तो उत्तर नहीं हुआ ना। तो इसमें प्रिवेंटिव इनहेलर होता है जिसमें बहुत लो डोज में स्टेरॉयडल दवाई होती है, इसको हम ICS कहते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, हवा नली खोलने की एक दवाई होती है जिसको हम लावा कहते हैं, लावा और ICS। ये रासायनिक बहुत लाइट डोज पे होता है। इनहेलर के जरिए अगर आप प्रिवेंटिव इनहेलर लेंगे तो आपकी हवा नली के अंदर लाली नहीं आएगी, खराश नहीं होगी, हवा नली खुली रहेगी। नेबुलाइजेशन इसका उत्तर नहीं है, उत्तर है आप उचित डोज पे उसको कंट्रोल करें। कंट्रोलिंग दवाई की जरूरत है, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटर। तो आप जरूर एक किसी पल्मोनोलॉजिस्ट या एस्मा विशेषज्ञ से मिलिए जो आपको प्रिवेंटर दवाई के बारे में बताएगा, और प्रिवेंटर दवाई आप लेंगे तो बिल्कुल आप रिवर्सिबल डिजीज कर सकते हैं। ऑलरेडी 27 साल आपकी उम्र हो चुकी है, चीजें ये लेट हो चुकी है। हम चाहते हैं कि 14 साल के बाद एस्मा बिगड़ना नहीं चाहिए, अगर 14 साल तक एस्मा तो बिल्कुल हम रिवर्ट कर सकते हैं, फिर भी अभी तक ये लेट नहीं है। आप अगर प्रिवेंटिव इनहेलर लेंगे, प्रॉपर डोज पे लेंगे, तो आपकी नेबुलाइजेशन और ये सारी बातें खत्म हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा है जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से जो अस्थमेटिक होते हैं उनको अटैक आ जाता है, तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है तो क्या मतलब खास चीज करनी चाहिए? जैसे मैंने दर्शकों को ये कहा कि ये मूडी डिजीज है, अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है, पोल्यूशन के साथ बढ़ सकता है, तनाव के साथ बढ़ सकता है। मतलब आपकी घर के अंदर अगर पेट्स है, डेंडर्स है, डेंड्रफ है, बहुत सारी चीजें होती है ट्रिगर जो बहुत बारीकी चीजें से पकड़ सकता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, आपका एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, कारपेट से दूर रहना पड़ेगा, सीलन से दूर रहना पड़ेगा, धूम्रपान नहीं करनी चाहिए घर के अंदर, धूप जोत अगरबत्ती रासायनिक चीजें प्रिजर्वेटिव चीजें, ये सारी चीजें टिप्स है, उसको विस्तारित रूप में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट एक चीज जो आपने जो सवाल पूछा है, अगर किसी को इस तरह की तकलीफ हो जिसमें सांस की तकलीफ बढ़ रही है या सांस से आवाजें बढ़ रही हो, सांस नहीं ले पा रहे, सबसे पहले उसको रिलैक्स फील करना चाहिए, गोल गोल करके होठों को गोल गोल करके सांस छोड़ना चाहिए। देखिए होठों को गोल गोल करने से क्या होता है, हमारी जो हवा नली के अंदर जो ट्रैपिंग ऑफ एयर है निकल जाती है। जैसे होठों को गोल, मतलब जैसे बटुआ ब्रीदिंग कहते हैं, नीचे वाली होठों को गोल कीजिए, जैसे हमें देखिए आप, जैसे हम सीटी बजाते हैं उस तरीके से धीरे धीरे हवा को छोड़िए, तो हवा नली आपकी खुल जाती है और आप अच्छा हवा ले सकते हैं। पहली, दूसरी बात,